My name is Kamal. I'm from Shades and Pool. Today we are with Varun Tyagi. Hello. So, आज हम पूछेंगे इनसे कुछ पूल के क्वेश्चंस. जी. So, how many types of pool? देखिए, I am Arun Tyagi. I am the founding member of Ardev Pools. ये जो कंपनी है हमारी Ardev Pools लगभग 27 years old कंपनी है. और स्पेसिफिकली पूल के लिए हम लोगों ने करीब 24 साल से काम कर रहे हैं. 99 में हमने मेजर पूल के काम किए थे और हमने ये कंपनी फाउंड की थी 99 में, जिसमें कि हमने स्पेसिफिक देखा था कि पूल एक ऐसी चीज है जो हर किसी को पसंद आती है, लेकिन 99 में वो पूल हर किसी के पहुंच में नहीं था. क्लब्स में होते थे, होटल्स में होते थे. तो हमने ये कंपनी इस सोच को समझ के बनाई थी कि एवरी होम डिजर्व्स ए पूल. अगर आप देखेंगे हमारा लोगो भी तो उसके नीचे लिखा हुआ है एवरी होम डिजर्व्स ए पूल. तो हमारी कोशिश ये है कि जो स्विमिंग पूल है वो हर किसी के घर तक पहुंच सके, चाहे घर कितना भी छोटा हो. अब जैसे आप ये वाला पूल देख रहे हैं, जैसे आपने पूछा कि कितनी तरह के पूल होते हैं, तो नॉर्मली 3-4 तरह के पूल होते हैं. एक पूल होता है टेम्परेरी पूल, जो कि वो आपको सड़क के किनारे बलून भर के हवा भर के दिखा देते हैं, टेम्परेरी पूल. दूसरे कुछ इससे और एडवांस वर्जन होते हैं जिसमें कि वो लाइनर की शीट होती है, डंडे लगा के खड़ा कर देते हैं, दैट इज कॉल्ड टेम्परेरी पूल. सेकेंड होते हैं सेमी परमानेंट पूल और वी कॉल इट मूवेबल पूल. तो जो हम आज की डेट में देखने जा रहे हैं वो सारे के सारे मूवेबल पूल होंगे. कि हम इन पूल को परमानेंट भी रख सकते हैं, इन केस वी वांट टू शिफ्ट देम वी कैन शिफ्ट देम. और जो जो बेस्ट पॉसिबल सिनेरियो है वो इनमें आता है. इनको नॉर्मली हम बोलते हैं प्री फैब्रिकेटेड पूल. सो प्री फैब हम क्यों बोलते हैं, और पहले मैं तीसरी तरह का पूल बता दूं. तीसरी तरह का पूल होता है सिविल वर्क पूल, जिसको हम बोलते हैं कन्वेंशनल पूल. तो कन्वेंशनल पूल इसलिए बोलते हैं कि वो सालों से बनते आ रहे हैं. सिविल का एक गड्ढा बनाते हैं, कंक्रीट का पूल बनाते हैं, फिल्टर्स लगाते हैं और बहुत उसमें बस मल्टीपल एजेंसीज काम करती हैं. तो हमने क्या किया कि टेक्नोलॉजी का मतलब होता है सिंप्लीफाइड, किसी भी चीज को सिंपल करना. ये जो पूल आप देख रहे हैं प्री फैब्रिकेटेड या रेडीमेड या फाइबर ग्लास पूल जो भी होते हैं, ये परमानेंट पूल विद प्री फैब थिंग. तो सारी चीजें इसमें कंट्रोल एनवायरमेंट में बनती हैं. ये सारे के सारे पूल आपको फैक्ट्री में बनते हैं. जो परमानेंट पूल होते हैं वो आपको कंक्रीट के थ्रू बनाते हैं. जो फिक्स्ड पूल हो गए या कन्वेंशनल पूल हम उनको बोलते हैं, दीज आर कॉल्ड मॉडर्न पूल एंड दोस वी कैन कॉल इट कन्वेंशनल पूल. तो तीन तरह के पूल हो गए, एक टेम्परेरी पूल, एक प्रीफैब्रिकेटेड पूल और तीसरा मॉडल हो गया आपका कंक्रीट पूल जो कन्वेंशनल सिस्टम मांगते हैं. जी. सो डू वी नीड इट क्लीन एवरी डे? नो, क्लीनिंग इज रिक्वायर्ड एवरी डे, बट वी हैव यू नो डेवलप फ्यू टेक्नोलॉजीज जिसमें कि द सेम वाटर कैन रन थ्रू आउट द ईयर. तो ये जो जैसे पानी आप देख रहे हैं इसमें आपको रोज चेंज नहीं करना है, रोज नया पानी नहीं डालना है और रोज निकालना भी नहीं है. इसमें बेसिकली फिल्ट्रेशन सिस्टम लगाया जाता है जिससे कि यही पानी एक साल, डेढ़ साल, दो साल रह सकता है. जो इससे भी बड़ी चीज है मैं आपको दिखाऊं, यहाँ पे हमने इसके अंदर में 0% वाटर वेस्टेज टेक्नोलॉजी लगाया. अब ये जो पूल है देख रहे हैं आप, ये पूरा का पूरा पूल है. इसमें एक सिस्टम लगाया हुआ है जिसको हम बोलते हैं ओवरफ्लो सिस्टम. तो जो ये पानी है आपका ओवरफ्लो या स्कीमिंग बोलते हैं इसको. जैसे आप दूध होता है, दूध को आप ऊपर से निथारना बोलते हैं या किसी भी मलाई को स्कीमिंग बोलते हैं. तो इस डब्बे को बोलते हैं स्कीमर, उसी से ड्राइव किया गया. अब जब हम इसके अंदर देखते हैं तो इसके अंदर ये एक पोर्शन है जहाँ से पानी आपका आता है. तो बेसिकली आप देख रहे हो कि जो डस्ट दिख रही है आपको व्हाइट कलर का, ये सारा का सारा ऊपर से मिट्टी, पत्ते, जब कोई स्विमर यूज करता है तो बाल या कुछ भी फॉरेन मटेरियल व्हिच इज नॉट रिक्वायर्ड इन अ पूल, पतंगे, कीट पतंगे रात के अंदर वो उसके ऊपर बैठते हैं. तो हम क्या करते हैं, इस सिस्टम को चलाते हैं. तो अब क्या देख रहे हैं कि आप ये पूरा का पूरा पूल का पानी इसके अंदर में आ रहा है. अब ये हमने पहले ही स्टेज पे इसमें फिल्ट्रेशन सिस्टम लगाया हुआ है, वी कॉल इट बैग फिल्टर. बैग फिल्टर हम इसमें क्यों लगाते हैं, क्योंकि ये पूल का साइज बहुत छोटा है और हमें बहुत बड़े फिल्ट्रेशन सिस्टम की इसमें रिक्वायरमेंट है नहीं. बिकॉज दैट विल वेस्ट अवर स्पेस, कॉस्टिंग ज्यादा होगी. तो ये पूरा का पूरा सिस्टम हमने इसमें आप देखेंगे तो पूरा का पूरा बैग फिल्टर है. इस बैग फिल्टर को कोई भी आसानी से निकाल सकता है और आसानी से निकाल के वॉश करके और दोबारा से डाल सकता है. उसके बाद में सिंपल इसको बंद करते हैं. अब आप देखेंगे इस टेक्नोलॉजी में ना तो कोई पानी वेस्ट हुआ, जो हमने क्लोरीन डाला ना हमने क्लोरीन वेस्ट किया, प्लस एनर्जी कम लगी
आपकी प्लम्बिंग कम लगी और आपका जो मेंटेनेंस कॉस्ट है वो कम हो गया। इसमें तीन तरह के सिस्टम होते हैं, एक आपने जो देखा बैक फिल्टर है, दूसरा एक और अगर हमारा पूल बड़ा है देन वी यूटिलाइज द कार्ट्रिज फिल्टर, और तीसरी तरह का सिस्टम होता है जो पुराने 100 सालों चल रहा है सैंड फिल्टर। सैंड फिल्टर, कार्ट्रिज फिल्टर और बैक फिल्टर, तीन तरह की टेक्नोलॉजीज हैं। तीनों के अपने एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस है, बट जो जितनी भी नई टेक्नोलॉजीज हैं जैसे कि हमारी कार्ट्रिज फिल्टर हो गई या हमारी बैक फिल्टर हो गई, वो बेटर टेक्नोलॉजीज हैं वनस्पत सैंड फिल्टर के, बिकॉज वो सारी चीजें फिल्टर्स मेंटेन करने आसान है, पूल की क्वालिटी आप देखो बिल्कुल साफ रहती है, और यही पानी आपको पूरे साल रखना है। इनमें 0% वाटर वेस्टेज है, लेकिन जहां हम सैंड फिल्टर लेते हैं उसमें आपको बैक वॉश करना होता है, तो फिल्टर वॉश करने में आपका बहुत सारा पानी वेस्ट हो जाता है। इस केस में कोई पानी वेस्ट नहीं होता। तो सबसे जो रनिंग कॉस्ट है कम है, फिल्ट्रेशन अच्छा है, तो बेसिकली टेक्नोलॉजी का मतलब ये होता है कि चीजों को आसान कर दें। मैं भी उसको चला सकता हूँ, आप भी चला सकते हैं, हमको एक आदमी रखने की जरूरत नहीं है कि भाई जो फिल्टर चलाए कुछ चलाए। दिस इज द इजीएस्ट सिस्टम एज फार एज इन स्विमिंग पूल टेक्नोलॉजी कंसर्न।